नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने आए सोनालिका सिकंदर DI-55 जो कि एक 55 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। जानेंगे इसके सभी टेक स्पेसिफिकेशन, क्या है इसके खासियत और इसके फीचर्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। इसमें बॉनेट लॉक के साथ में सिंगल पीस बॉनेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सोनालिका इंटरनेशनल का बैचिंग देखने को मिल जाएगा। ये ITL का ही ब्रांच है, ITL मतलब इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड का। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इसमें हमें 4087 cc का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि बॉश के इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आता है। और इसमें हमें EGR सिस्टम भी दिया गया है। इसके जो इंजन है, इससे आपको पावर आउटपुट बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है। और ये 4 सिलेंडर होने की वजह से जो इसका इंजन है वो बिल्कुल ही स्टेबल कंडीशन में चलता है और बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करता है। और कम RPM पर भी आप इस ट्रैक्टर को बड़े आसानी से काम में ले सकते हैं। यहाँ पर आप इसके हीट प्रोटेक्टर को देख सकते हैं, जो कि दोनों साइड में लग के आता है, जो कि किसानों को इंजन की गर्मी से बचाता है। बात करें इसके फ्यूल कैपेसिटी का, तो इसमें 65 लीटर का मेटल का डीजल टैंक देखने को मिलता है, जो कि आता है 2 डीजल फिल्टर और 1 वाटर सेपरेटर के साथ में। बात करें इसके कूलिंग सिस्टम का, तो इसमें कूलेंट रिजर्वायर के साथ वाटर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। DI-55 का बैटरी यहाँ पर लग के आता है और आप इसके अल्टरनेटर को ये देख सकते हैं, और जो इसके स्टार्टर है वो प्रोटेक्शन के साथ में आता है। बात करें इसके स्टेयरिंग का, तो इसमें सेपरेट ऑयल कंटेनर के साथ में डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग दिया गया है। और यहाँ पर इसके प्रोटेक्शन के लिए ये अलग से मेटल का फ्रेम लगाकर भी दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और डबल एक्टिंग होने की वजह से इस ट्रैक्टर को आप एक उंगली से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसका स्टीयरिंग जो होता है वो इतना स्मूथ होता है। और सेपरेट ऑयल कंटेनर देने के वजह से जो ट्रैक्टर का स्टीयरिंग है उसका परफॉर्मेंस आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है और कम मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। अगर इसके पंप को देखें, तो इसमें सेपरेट टाइप के पंप देखने को मिलते हैं, हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग के लिए अलग अलग। यह पंप सबसे बेस्ट माना जाता है और मेंटेनेंस के लिए भी बहुत ही सही होता है। अगर मान लो कभी आपका पंप ख़राब हो गया, तो आपको पूरा अरेंजमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता। ये छोटा सा बस अरेंजमेंट चेंज करके आप लंबे खर्चे से बच सकते हैं। और यहाँ पर ये आप बड़े साइज में हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर को देख सकते हैं, और इधर ये मैग्नेटिक टाइप का ऑयल फिल्टर दिया गया है। इसमें आपको कुछ इस तरह से लाइट दिया गया है, जो कि पूरा ही LED है। और यहाँ पर ये आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, और इसके पीछे साइड के लाइट को भी आपको दिखाते हैं, ये भी आपको फुली LED देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर भी ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। इसका लाइट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, और सभी ट्रैक्टरों को कोशिश करना चाहिए कि वो LED लाइट ही दें। बात करें इसके एयर फिल्टर का, तो इसमें ऑयल बार टाइप एयर फिल्टर देखने को मिलता है। आपको फ्रंट में कुछ इस तरह से हैवी बम्पर देखने को मिल जाएगा, जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और इसमें ये हिचिंग पॉइंट भी दिया गया है। बात करें इसके फ्रंट एक्सल का, तो इसमें एडजस्टेबल टाइप हैवी फ्रंट एक्सल दिया गया है। यह ट्रैक्टर का साइज बाकी अन्य 55 HP कैटेगरी के हिसाब से बड़ा बनाया गया है। बात करें इसके पावर फिगर का, तो यह ट्रैक्टर 55 HP का पावर पूरे 1900 इंजन रेटेड RPM पर और लगभग 230 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टॉर्क को आसान शब्दों में समझें, तो जिस ट्रैक्टर में जितना ज़्यादा टॉर्क होता है, वह ट्रैक्टर किसी लोड को उतने ही आसानी से खींच सकता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको मेटल का टूल बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इसके प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए यहाँ पर यह सिंगल स्टेप दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको ये पकड़ने के लिए भी मिल जाएगा। इसकी मदद से आप बड़े आसानी से इस पर चढ़ या उतर सकते हैं। ऊपर से देखने पर यहाँ कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसके बड़े साइज के फेंडर को भी देख सकते हैं। इसका स्टीयरिंग कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर आपको ये अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि चलाने के वक्त बहुत ही सहायता प्रदान करता है। और इसके मीटर कंसोल को आप देख सकते हैं, जो बाकी अन्य ट्रैक्टरों से थोड़ा हट के बनाया गया है। और इसमें आपको सभी एनालॉग टाइप के इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसमें 540 इकोनॉमी PTO और 540 स्टैंडर्ड PTO एक्टिवेट होने पे यहाँ पर आप लाइट जलकर आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा PTO स्पीड आप यूज़ कर रहे हैं। ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बात करें इसके फीचर्स का, तो यहाँ पर हमें ये पार्किंग लाइट का स्विच देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर ये
इंजन को ऑफ करने के लिए दिया गया है, और ये 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, और ये इग्निशन की, और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन टाइप में सभी लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए स्विच दिया हुआ है। और ये रहा हैंड थ्रोटल लीवर, जो कि बहुत ही स्मूथ है, और यहाँ पे आपको ये शटर शिफ्ट लीवर देखने को मिल जाएगा। इसकी मदद से जितना फॉरवर्ड स्पीड होता है उतना ही रिवर्स स्पीड आपको मिल जाता है। राइट साइड में देखो तो यहाँ पर हमें पोजीशन कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर दोनों देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ही आपके पहुँच में है। और अगर ये पीछे देखें तो इसमें कंपनी फिटेड डीसी वॉल्व मिल जाता है, जो कि क्यूआरसी कपलर के साथ में आता है, और ये उसको ऑपरेट करने के लिए लीवर दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर हमें ये पीटीओ लीवर मिल जाएगा, इसमें 540 और रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन दिया गया है। लेफ्ट फेंडर में यहाँ पर ये लेबलिंग प्लेट लगा हुआ है, उसको आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है, और ये 38.8 किलोवाट पीटीओ पावर बताया गया है, और यहाँ पर स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन को आप देख सकते हैं। अगर इसके प्लेटफॉर्म को देखें तो यह कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है, जो कि लगभग फ्लैट प्लेटफॉर्म ही है, जो कि बैठने में बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। और इसमें हमें नॉर्मल या पुश टाइप के क्लच पैडल और ब्रेक पैडल दोनों देखने को मिल जाता है। और ये रहा एक्सीलेटर पैडल, जो कि बिल्कुल ही सही जगह पे दिया गया है। बात करें इसके गियर बॉक्स का, तो इसमें कॉन्स्टेंट मैश टाइप गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि आता है 1, 2, 3, 4 और हाई लो मीडियम के साथ। इसका मतलब इसमें 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर दिया हुआ है, और यह 12 रिवर्स गियर आपको ये शटल शिफ्ट लीवर की मदद से प्राप्त हो जाता है। अगर इसके क्लच प्लेट को देखें तो इसमें 280 mm के क्लच प्लेट के साथ डुअल क्लच देखने को मिल जाता है, और अगर ब्रेक की बात करें तो इसमें ऑयल इमर्ज ब्रेक्स मिल जाएगा। और यहाँ पर आप ऑयल इमर्ज ब्रेक के स्टिकर को देख सकते हैं, और यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस लिफ्ट की बैचिंग भी दिया गया है। बात करें इसके फॉरवर्ड स्पीड का, तो 3.25 से 34.79 किलोमीटर पर आवर की फॉरवर्ड स्पीड देखने को मिल जाएगा, और ये शटल शिफ्ट के मदद से आप जिस स्पीड में आगे जाएंगे और उसी स्पीड में ही पीछे भी आ सकते हैं। इसमें आपको कुछ इस तरह से सीट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप ये लीवर देख सकते हैं, इसकी मदद से आप सीट को बड़े आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये नीचे में आपको ट्रांसपोर्ट लॉक और लोअरिंग रेट कंट्रोल वाल्व देखने को मिल जाएगा, और यहीं पर ही आपको ये ब्रेक लॉक के लिए लीवर दिया गया है। अच्छे से आप इसके बनावट को देख सकते हैं, और ये रहा फुली एलईडी लाइट, और यहाँ पर रिवर्स पीटीओ का स्टिकर दिया हुआ है, और इस साइड में आपको ये नंबर प्लेट के लिए भी अलग से लाइट लगा के दिया गया है। और ये रहा प्लाउ लैम्प, और ये फेंडर के वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा रिफ्लेक्टर, ये बोतल होल्डर, और इस नॉब की मदद से आप इस सीट को अपने वेट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। और इस साइड में देखें तो यहाँ पर 7-पिन कनेक्टर भी दिया हुआ है, और ये इसके अंदर बनने वाले प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए वाल्व है। और इसमें हमें डबल डीसी वाल्व मिल जाता है, जो कि क्यूआरसी कपलर के साथ में आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बात करें इसके पीटीओ का, तो इसमें 38.8 किलोवाट का 6 स्प्लाइन पीटीओ देखने को मिलता है, जो कि आता है 540 स्टैंडर्ड और रिवर्स पीटीओ के साथ में। बात करें इसके हाइड्रोलिक्स का, तो इसमें हमें मैक्सिमम 2000 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है, और यहाँ पर आप इसके लोअर लिंक आर्म को देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर आप इसके स्टेब आर को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 3-पॉइंट सेंसिंग के साथ ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसर देखने को मिल जाएगा, और इम्प्लीमेंट को सॉफ्ट मिट्टी में चलाने के लिए टॉपलिंग को हमेशा ये ऊपर वाले होल में लगाएं, और उससे हार्ड मिट्टी के लिए ये बीच वाले में, और सबसे अधिक हार्ड मिट्टी के लिए ये नीचे वाले होल में टॉपलिंग को लगाना चाहिए। इससे जो है सेंसर की सेंसिविटी लंबे समय तक बरकरार रहती है, और इम्प्लीमेंट को रोड पर लाते ले जाते समय भी टॉपलिंग को हमेशा ये नीचे वाले होल में ही लगाना चाहिए। बात करें इसके एक्सल का, तो इसमें स्ट्रेट या सिंगल डायरेक्शन टाइप एक्सल दिया गया है। इसमें हमें एडजस्टेबल टाइप हिच देखने को मिलता है, जिसको आप इन मल्टीपल होल्स के थ्रू बड़े आसानी से अपने ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसके टायर को देखें तो इसमें 6-50-20 के कुछ इस तरह से लंबे बड़े फ्रंट टायर देखने को मिल जाएंगे, और अगर रियर टायर की बात करें तो इसमें 16-28 के रियर टायर दिए गए हैं, और एक्स्ट्रा 34 किलो का ये वेट
लगाकर दिया जाता है। और ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। और ये रहा ट्रैक्टर का राइट साइड का व्यू। तो चलिए स्टार्ट करके आपको इसका आवाज़ सुनाते हैं और इसका स्टीयरिंग रिस्पांस भी देख लेते हैं। और ये आप इसके स्टीयरिंग को देख सकते हैं। और इसके आवाज़ को आप सुन ही पा रहे होंगे, चार सिलेंडर होने की वजह से इसका आवाज़ आपको काफ़ी स्मूथ सुनाई दे रहा होगा। और जैसे इतने आरपीएम पर भी आप देख सकते हैं ट्रैक्टर में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। दोस्तों इतने सारी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको सोनालिका सिकंदर DI-55 में। अगर आपके मन में इस ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।